हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रजनी फ्रॉम नाहर कन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। आज जो है हम बिजनेस स्टडीज़ में जो चैप्टर टू पर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साझेदारी संलेख। साझेदारी तो हमने इसके पहले टॉपिक में बताया था कि जब दो पार्टनर्स मिलके कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई ठहराव करते हैं या अनुबंध करते हैं तो साझेदारी होती है। तब वहाँ पर साझेदारी अधिनियम के जो रूल्स होते हैं वो वहाँ पर हम फॉलो करते हैं। साझेदारी संलेख के अंतर्गत आपको बताया गया है कि साझेदारी संलेख से आशय एक ऐसे साझेदारों के हस्ताक्षर युक्त लिखित समझौते से है जिनमें साझेदारों के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख करते हुए साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन, प्रबंध एवं संचालन संबंधी शर्तें और नियमों को लिखा जाता है। जैसे जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप करने के पहले हमको सारे नियमों का उल्लेख होना चाहिए, सारे नियम रूल्स वगैरह हमें मालूम होना चाहिए, हमारे अधिकार कर्तव्य दायित्व की जानकारी यहाँ होना चाहिए। और अगर हम बिज़नेस को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो हम नियमों को फॉलो करते हैं। इसे साझेदारी संलेख, साझेदारी विधान या साझेदारी ठहराव का प्रपत्र या साझेदारी के अंतर्नियम आदि के नाम से हम इसको पुकारते हैं। साझेदारी संलेख में लागू के अभाव में लागू होने वाले नियम, अगर हमारे पास में साझेदारी संलेख नहीं है तो उसके अभाव में जो नियम लागू होंगे वो इस प्रकार से हैं। प्रतिस्पर्धी व्यापार का लाभ, यदि कोई साझेदार फर्म में प्रतिस्पर्धा करते हुए या फर्म के समान व्यापार करता है तो ऐसे व्यवसाय से प्राप्त लाभ फर्म का ही होगा। जो भी बिजनेस में वो लाभ प्राप्त करेगा वो लाभ किसका होगा? फर्म का। फर्म की संपत्ति का प्रयोग फर्म के कार्यों के लिए ही किया जाएगा। व्यक्ति अपने कार्य के लिए या साझेदार अपने कार्यों के लिए फर्म की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, यदि कोई साझेदार फर्म का सामान्य संचालन करते हुए फर्म की हानि या संकट से बचाने के लिए अपने पास से कोई खर्चा करता है, कोई व्यय करता है तो वह ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि फर्म से प्राप्त करने का अधिकारी होता है। लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति, यदि कोई साझेदार जानबूझकर लापरवाही से फर्म को हानि पहुंचाता है तो ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए फर्म के लिए वो उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार के उसने नुकसान किया है फर्म का और जानबूझकर किया है तो उसका उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होता है। हित का हस्तांतरण, कोई भी साझेदार अपना अधिकार या अपना हित बिना समस्त साझेदारों की अनुमति से दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता। हस्तांतरण करने से पहले उसे उन्हीं साझेदारों से पूछना पड़ेगा, जितने भी साझेदार हैं उन साझेदारों से बातचीत करना पड़ेगी कि हमें अपने जो भी अधिकार है उसका हस्तांतरण करें या नहीं करें। लाभ का विभाजन, फर्म में होने वाले जो भी लाभ या हानि रहती है उसके समय सभी साझेदारों को समान रूप से बांट दिया जाएगा, कोई रेशो फॉलो नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट का है उसको सभी साझेदार में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, यदि किसी भी साझेदार को फर्म में लगाई गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, नहीं आहरण पर किसी प्रकार का कोई ब्याज हम देंगे। व्यापार संचालन, प्रत्येक साझेदार के व्यापार संचालन में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। ये जो नियम पढ़े वो साझेदारी संलेख के अभाव के नियम थे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं क्लोज होता है। थैंक यू स्टूडेंट।